नमस्कार दोस्तों दोस्तों अब आपको हमारे चैनल पर सप्ताह में दो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जो कि MIS पोस्ट के लिए इंटरव्यू में होने वाले ट्रिकी क्वेश्चन के बेस्ड पे आधारित होगी। दोस्तों जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं MIS पोस्ट के लिए तो उसमें कुछ तो क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक बेस्ड पर आधारित होते हैं और उसका आंसर आप एट ए टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब आपको उसका आंसर पता चलता है तो आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना। तो आपने सोचा है कि आखिर आप उसका आंसर इंटरव्यू में क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि आपने उस कॉन्सेप्ट पे ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस नहीं की थी और आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसको आप देख के प्रैक्टिस करके किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है एक्सेल से रिलेटेड या कोई भी MS ऑफिस से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहाँ मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ एड्रेस दिए गए हैं, ये मैंने एग्जांपल के लिए थोड़ा सा लिया है, डेटा हज़ारों में भी हो सकता है। आप यहाँ एड्रेस पे मेरा कंडीशन क्या है, मुझे स्टेट का नाम एक अलग कॉलम पे लेके आना है, यहाँ पे मुझे सिर्फ स्टेट का नाम चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि असम है ये स्टेट, उसके बाद पिन कोड है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पहले पिन कोड है उसके बाद स्टेट है, इसी तरह यहाँ स्टेट पहले है पिन कोड है इसके बाद, यानी ये ट्रिकी क्वेश्चन है, है ना। तो आप सोचेंगे कि हम इसे टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज करके कर लें, तो आइए करके देखते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर लिया स्टेट वाले में, ठीक है। मैंने इस कॉलम को यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है, और डेटा पे गया, टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन अप्लाई किया और यहाँ डेलिमिटेड में मैंने क्या किया नेक्स्ट करके, मैंने क्या सिलेक्ट, पहले कॉमा, क्योंकि कॉमा भी है यहाँ पे, तो मैंने कॉमा पे टिक कर लिया, ठीक है। ये कॉमा भी है यहाँ पे तो मैंने कॉमा पे भी टिक कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए डैश भी है तो मैंने अदर पे क्लिक करके डैश दे दिया और अब मैं नेक्स्ट करके फिनिश करता हूँ। तो ये हमारा आ गया, देखिए आप यहाँ आ गया स्टेट, उसके बाद पिन कोड, फिर स्टेट, फिर पिन कोड, देख रहे हैं ना किस टाइप से आ रहा है आपका। और यहाँ भी देखिए क्या है हमारा सीक्वेंस। तो क्या हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं स्टेट में? नहीं, यानी ये हमारा ट्रिक फेल हो गया। तो इस तरह आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आइए सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एक रेफरेंस जनरेट करना है कॉलम पे, REFERENCE रेफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि कितने स्टेट हैं, 28। अगर आपका डेटा 1000 है तो आप पूरे 28 स्टेट को यहाँ टाइप कर लीजिए या कॉपी करके कहीं से पेस्ट कर दीजिए, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टेट का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसके बेस के आधार पे मैंने, हम यहाँ पे स्टेट का नाम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे चार ही डेटा हैं तो हम चार स्टेट लिख लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया गुजरात, ठीक है, ठीक है, मैंने लिख लिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, असम। सीक्वेंस कोई भी मायने नहीं रखता, सीक्वेंस कैसे भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट नेम, अब मुझे यहाँ फार्मूला क्या लगाना है आप ध्यान से समझिएगा, मैं फार्मूला यूज करूँगा लुकअप फंक्शन, ठीक है। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू मैं लिखता हूँ 400। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 400 क्यों लिखा, तो आइए इसको समझते हैं। ये जो आपका एड्रेस का लेंथ है, ठीक है, ये जितना भी लेंथ हो रहा काउंट करने पे, यानी देखिए NANNI हमारा कितना हो गया 5, डैश कितना हो गया हमारा 6, काजीपुर कितना हो गया KAJIPUR 7 हो गया, 7 6 कितना हो गया 13। तो इस तरह आप पूरा लेंथ काउंट करेंगे इंक्लूडेड कॉमा और स्पेस, तो 36 आएगा। तो यहाँ हम 36 भी लिख सकते हैं या उससे ऊपर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट 400 कर देते हैं क्योंकि इससे बड़ा हमारा एड्रेस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ 400 लिख दिया। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, लुकअप वेक्टर हमसे पूछ रहा है, तो लुकअप वेक्टर क्या है हमारा, हम देख रहे हैं हमें स्टेट का नेम अलग करना है तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करना होगा जो स्टेट नेम की पोजीशन बताए, यानी न्यूमेरिक में ही बताए, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू न्यूमेरिक में लिया है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है सर्च फार्मूला, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है राम कुमार शर्मा, ठीक है, यहाँ हम कुमार लिख लेते हैं। अब मान लीजिए हमें कुमार की पोजीशन जाननी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, SER सर्च फार्मूला, फाइंड टेक्स्ट हमारा कुमार हो जाएगा, ठीक है, विद इन टेक्स्ट यानी किस टेक्स्ट में आप इसे फाइंड आउट कराना चाहते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए इसने बता दिया कुमार आपका 5वें पोजीशन पे है, यानी RAM राम 3 हुआ, स्पेस 4 हुआ, 5वें पे हमारा कुमार। तो इस तरह हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू लुकअप वैल्यू, हम यहाँ लिख लिए 400 या कुछ भी लिख सकते हैं, 600 ले लेता हूँ, ठीक है। लुकअप फैक्टर में हम क्या करेंगे, सर्च फाइंड टेक्स्ट, क्या हमें फाइंड कराना है, हम इस स्टेट के नाम को ले लेते हैं चारों को, विद इन टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर हमें फाइंड आउट कराना है, ठीक है।
और ब्रैकेट बंद करते हैं, और उसके बाद हमें रिजल्ट वेक्टर क्या चाहिए, रिजल्ट वेक्टर कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, हमें स्टेट नेम चाहिए था तो हम इस स्टेट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर मारते हैं, देखिए असम आ चुका है। अब हम E2 से E5 को फ्रीज कर देंगे क्योंकि ये हमारा रेंज यहीं तक है, तो हम इसे F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे और ये वाले को भी हम फ्रीज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेंज है E2 से E5 इसके आगे नहीं है। अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, E3 से E6 चला जाएगा तो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, और इंटर मार देंगे। अब इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे भी पेस्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा स्टेट अलग होके आ चुका है। ये कैसे वर्क किया इसको भी समझ लेते हैं। सर्च वाले फार्मूले के अंदर हम देखते हैं क्या इसने वर्क किया, क्या मैकेनिज्म वर्क किया। F9 प्रेस करेंगे, तो इसने देखिए क्या किया, हमने गुजरात को फाइंड आउट कराया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम को इसके अंदर फाइंड आउट कराया, इस पहले वाले के अंदर। तो इसने क्या किया, गुजरात इसको नहीं मिला तो इरर आ गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश इसको नहीं मिला इसमें तो इरर आ गया, बिहार नहीं मिला इसको इसमें तो भी इरर आ गया, और लेकिन लास्ट में असम इसको मिल गया यहाँ पे, तो बता दिया इसकी पोजीशन 26 है, बता दिया इसकी पोजीशन 26 है। अब हमारा रिजल्ट फैक्टर कौन सा था, ये वाला, तो हम देख रहे हैं कि हमारा चौथे नंबर पर हमारा वैल्यू ट्रू हो रही है, 26 आ रही है, तो ये चौथे नंबर वाले को असम उठा के यहाँ दे दिया। ये देखिए इसी तरह बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में आप देखेंगे F9 करेंगे तो आप देखिए, पहला गुजरात इसमें फाइंड आउट किया मैंने इसमें कराया तो बिहार इसको नहीं मिला गुजरात में इसको, ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने इसमें फाइंड आउट कराया तो नहीं मिला तो इरर आ गया, ठीक है, बिहार जैसे ही इसमें आया फाइंड आउट तो देखें बिहार की पोजीशन आ गई 33 पे आपका बिहार है ना, फिर इसने असम फाइंड किया इसमें तो असम नहीं मिला, तो अब तीसरे नंबर पर हमारा ट्रू आ गया 33, ठीक है, 33 पे हमारा बिहार है, तो जैसे ही 33 पे हमारा बिहार है यानी तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे हमारा बिहार है तो यहाँ बिहार आ गया। तो इस तरह ये मैकेनिज्म वर्क करता है। अब दोस्तों मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप सोच रहे थे ये मैंने 600 क्यों लिया, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर मैं यहाँ 33 लूँगा तो ये वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही 33 से मैं कुछ नीचे ले लूँगा 32 देखिए इरर आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ लिया था लुकअप वैल्यू में डायरेक्ट 600, क्योंकि उससे बड़ा तो हमारा एड्रेस नहीं हो सकता है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, जय हिंद दोस्तों।